नई सरकार को काम करने के लिए दिया गया था, मगर 9 माह के अंदर जो उन्होंने अपना वचन पत्र जारी किया था उसके किसी भी मुद्दे का पालन नहीं किया। इस समय स्वयं राजीव गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने, कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, और किसानों का कर्जा अगर 10 दिन के अंदर माफ नहीं हुआ तो 4वें दिन हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। किंतु आज 9 माह हो गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही, जो शिक्षा के लिए विशेष अनुदान ये माननीय शोभा सिंह जी ने प्रारंभ किया था, जिसमें 2000 रुपये प्रत्येक छात्र को शहर में पढ़ने के लिए उपलब्ध होता था, आज वो बंद। वो सारी योजनाएं आज ठप्प पड़ी हुई है, निकायों को उनकी क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल रही, जिसके कारण विकास कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। और इसलिए 9 माह का समय देने के बाद जो वचन पत्र में कहा था, और ये आरोप आज हम नहीं लगा रहे, तो वचन पत्र में पूरा नहीं किया, जिसको 2 सितंबर को इस पत्र दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी को लिखा, और जिसमें कहा कि संविदा शिक्षकों को नियमितीकरण करने का हमने जो वचन पत्र में वादा दिया था वो शायद कमलनाथ जी को याद होगा, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के ऊपर उनको नियमित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की जो स्थिति है, और आपस की लड़ाई के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो सारी जो ठप्प पड़ी हुई है, उसके विरोध में सरकार को जगाने के लिए ये घंटानाद के कलेक्टर को, कलेक्ट्रेट ऑफिस को ठप्प करने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में आज के दिन दिया है। और हमारी चेतावनी है कि जो उन्होंने अपने वचन पत्र के अंदर वादे किए हैं वो पूरे करना चाहिए, अन्यथा हम अंतरा संघर्ष भी इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे कि अभी मोगे जी ने बोला है कि सरकार ने वादा किया है, भैया को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे और जो है यहाँ घंटनाद भी किया है और कलेक्टर कार्यालय का घिराव किया है, क्या आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और चूंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं देवास के, क्या कुछ आपका कहना है? ये जी हमारे नेता है, उन्होंने पूरी सामने रखी विषय रखा है। इसमें केवल एक चीज और जोड़ना चाहूंगी मैं, तो भ्रष्टाचार शुरू हुआ है और जो भ्रष्टाचार व्यापक तरीके से फैला है कांग्रेस सरकार, उसका भी एक विरोध हम करते हैं इस घटनानाथ से, क्योंकि बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं है।
और पुलिस हो, प्रशासन हो, हर एक अधिकारी व्यक्त हो रहा है और उसके कारण जो आम आदमी को समस्याएं आ रही है उनकी निराकरण के लिए यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सोयाबीन की फसल नष्ट है और उसके लिए कोई देखने तक नहीं आ रहा है। मुआवजा कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई वादा नहीं हुआ है मुख्यमंत्री जी की तरफ से सोयाबीन किसानों के लिए। उसी तरह से किसानों की जिंदगी, आम युवाओं की जिंदगी, महिलाओं की जिंदगी, इनके लिए जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव में उन्हें पूरा नहीं किया है, वही याद दिलाने के लिए। तो मैम हम क्या ये उम्मीद करेंगे जैसे मोदी जी ने बोला कि हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरे हुए हैं, आगे बड़े आंदोलन की बात नहीं है। इसी तरह से लगातार आंदोलन चलते रहेंगे ताकि इन लोगों के कान तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और उन्हें नींद से जगा सके।